हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, थर्मल इंजीनियरिंग को हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है फ्रेंड्स फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, उसको आज हम समझाने वाले हैं। इसकी वर्किंग समझाएंगे फ्रेंड्स, इसके अलावा इसके जो स्ट्रोक होते हैं उनको वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे विथ डायग्राम। उसके लिए आपको इसको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं थ्योरी ऑफ मशीन और फ्लूइड मैकेनिक्स के मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ, उसके वीडियो डाल चुका हूँ। और आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा टॉपिक लिखा फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, इसका जो टॉपिक लिखा है इस पूरे टॉपिक का मतलब समझेंगे फ्रेंड्स हर एक वर्ड का, उसी के थ्रू हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम इसके स्ट्रोक को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स फोर का मतलब होता है चार। क्या होता है फोर का मतलब चार? स्ट्रोक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? स्ट्रोक का मतलब होता है एक पिस्टन के द्वारा एक बार में चली गई दूरी। अब ये दूरी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। ये पिस्टन क्या होता है? पिस्टन क्या होता है फ्रेंड्स? हमारे इंजन रहता है उसके अंदर एक सिलेंडर रहता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। मतलब क्या है? स्लाइड करता है ऊपर नीचे सिलेंडर के। मान लिया मैंने ये सिलेंडर है, ठीक है फ्रेंड, उसके अंदर एक पिस्टन है, पिस्टन दे लिखा दिख रहा है पिस्टन है, एक पिस्टन आगे पीछे मूव कर रही। मान लिया स्टार्टिंग में पिस्टन की पोजीशन यहाँ है, इस पोजीशन को हम बोलेंगे फ्रेंड्स टॉप डेड सेंटर। अब पिस्टन ऊपर से नीचे गति कर रहा है, पिस्टन ऊपर से नीचे गति कर रहा है एक बार, तो पिस्टन कहाँ आ जाएगा? जहां अभी रुका हुआ वहां आ जाएगा। तो यहां से यहां तक जो दूरी चलेगा उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? स्ट्रोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रोक। अब यहां से एक ऊपर से नीचे आया तो इसको बोलेंगे वन स्ट्रोक। इस तरह फ्रेंड्स जब इसका नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ऐसे एरो दिख रहा है, सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। तो इस तरह कितना दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट करता है। तो थर्ड प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स? पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है। कहाँ? पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वहां पर कितना थर्ड स्ट्रोक कंप्लीट करता है। इस तरह यहाँ पर क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस में? पिस्टन क्या नीचे से ऊपर की ओर जाता है, वहां पर एक चौथा स्ट्रोक कंप्लीट होता है। इस तरह कितने स्ट्रोक हो जाते हैं फ्रेंड्स? फोर स्ट्रोक। स्ट्रोक समझ में आया कि पिस्टन के द्वारा एक बार चली गई दूरी किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। मतलब एक बार ऊपर से नीचे आता तो उसको वन स्ट्रोक बोलते हैं, इसी तरह क्या होता है नीचे से ऊपर जाता उसको भी हम एक स्ट्रोक बोलते हैं। लेकिन इस तरह यह कितने स्ट्रोक कंप्लीट करता? चार स्ट्रोक कंप्लीट करता। अब पेट्रोल का मतलब होता है फ्रेंड्स, पेट्रोल क्या होता है? फ्यूल होता है जिसके द्वारा हम इंजन हमारा चलाते हैं। मतलब यहाँ पर पेट्रोल इंजन, पेट्रोल से हमारा इंजन चलता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोला? पेट्रोल इंजन। इंजन का मतलब क्या होता है? इंजन का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पेट्रोल जलता है, उससे हमें जो फ्यूल जलता है कौन सा? पेट्रोल। उसकी जो एनर्जी मिलती है कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी मिलती है। उसके थ्रू हमारा इंजन क्या करता है? उस हीट एनर्जी से वर्क में कन्वर्ट करता है। किसमें? वर्क डन में कन्वर्ट करता है उस हीट एनर्जी को। तो इंजन का कार्य समझ में आ गया फ्रेंड्स, क्या करता है? पेट्रोल की हीट एनर्जी को इंजन में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी कहां से मिलती है? जब पेट्रोल जलता है वहां से। तो ये वर्ड समझ में आया होगा फ्रेंड्स आपको। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका, इसके क्रैंकशाफ्ट, जो क्रैंकशाफ्ट रहता है और इसकी स्ट्रोक, दो वर्ड में इसको डिफाइन किया जाता है। इसमें दो वर्ड में फोर स्ट्रोक लिखा। क्या लिखा? फोर स्ट्रोक। मतलब ऐसा लिख सकते हैं जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन है उसमें हमारी पिस्टन के द्वारा फोर स्ट्रोक कंप्लीट किए जाते। कितने? चार स्ट्रोक कंप्लीट किए जाते। लेकिन उस दौरान, इसके दौरान चार स्ट्रोक कंप्लीट होने के दौरान हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है वह दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है। कितने? दो कंप्लीट चक्कर लगाती है। कितने? दो कंप्लीट चक्कर लगाती है। कैसे लगाती है? जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता तो सिर्फ क्रैंकशाफ्ट हमारी आधा रिवॉल्यूशन लगाती। कितना? आधा रिवॉल्यूशन, मतलब आधा चक्कर लगाती, मतलब 180 डिग्री घूमती। इसी तरह क्या होता है जब पिस्टन यहां से ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारा पिस्टन क्या होता है फिर आधा चक्कर जो बचा हुआ उसको पूरा कर लेती। तो इस तरह कितनी टोटल घूम जाती? 360 डिग्री घूम जाती। यहां पर क्या होता हमारा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता। फिर इसके बाद क्या होता पिस्टन नीचे मूव करती तो फिर से हमारी जो क्रैंकशाफ्ट होती आधा चक्कर लगाती, मतलब 180 डिग्री घूमती। इस तरह हमारा आधा चक्कर कंप्लीट हो जाता। फिर इस तरह क्या करती पिस्टन? जब हमारी ऊपर मूव करती तो हमारा फिर 180 से 360 घूम जाती है क्रैंकशाफ्ट, और हमारी क्या होती है जो क्रैंकशाफ्ट पूरा चक्कर पूरा कर लेती है। तो मतलब यहां तक आने में एक चक्कर पूरा किया, फिर यहां से यहां तक आने में एक चक्कर पूरा किया। इस तरह कितने? दो चक्कर कंप्लीट करती है। याद रहे, दो स्ट्रोक में एक चक्कर घूमती है हमारी क्रैंकशाफ्ट, और फिर हमारे दो नेक्स्ट स्ट्रोक में एक चक्कर घूमती है क्रैंकशाफ्ट।
याद आया कैसे, कि जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो आधा चक्कर घूमेगी, पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तब आधा चक्कर घूमेगी, फिर पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तब आधा चक्कर घूमेगी, फिर पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तब आधा चक्कर घूमेगी। इस तरह कंप्लीट चार आधे चक्कर में दो कंप्लीट चक्कर होते हैं। तो इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायग्राम सिर्फ दिखाने के पर्पज से बनाया कि यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो हमारी क्रैंकशाफ्ट इस तरह की होती है, कनेक्टिंग रॉड इस तरह की होती है, पिस्टन इस तरह की होती है जो कि नीचे ऊपर आगे पिस्टन मूव करती है, ये सिलेंडर ब्लॉक हो जाता है पूरा। ठीक है, एक क्रैंक जो हमारी पूरी केसिंग रहती है जिसके अंदर ऑयल वगैरह ऑयल भरा रहता है, इसके अंदर ये पूरा हमारा क्रैंकशाफ्ट मूव करती है। कनेक्टिंग रॉड का आप मतलब जानते हैं जी, हमारी पिस्टन जब ऊपर नीचे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है उसको कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, क्या करता है कि जो हमारी क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट रहता है उसको क्या हमारी जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है उसमें कन्वर्ट करती है। सर्कुलर मोशन मतलब इसको राउंड राउंड घुमाती है, किसके थ्रू घूमता है, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। कनेक्टिंग रॉड ही काम करता है हमारा लीनियर मोशन को या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कराने का। ठीक है फ्रेंड्स, क्रैंकशाफ्ट का मतलब जानते हैं जो क्या करती है, हमारे रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करती है जिसके थ्रू हमारे पहिए चलते हैं गाड़ी के। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके सभी स्ट्रोक को समझेंगे विथ वर्किंग, वन बाय वन समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने उस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लिया जिससे आप इसको पढ़ सकें। तो फर्स्ट स्ट्रोक जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, इंटेक स्ट्रोक बोलते हैं या फिर इसको हम सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेक या सक्शन स्ट्रोक। इसके सबसे पहले हम पार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर जो जैसे ही जानते हैं क्रैंकशाफ्ट रहती है, कनेक्टिंग रॉड रहती है, जो ये पिस्टन रहती है फ्रेंड्स, ये कंबसन चैम्बर रहता है, कंबसन चैम्बर जहां पर फ्यूल को जलाया जाता है। ये क्या रहता है, इनलेट वॉल्व रहता है यहाँ पर देख रहा है, जिसके थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सर जाता है। याद रखें पेट्रोल इंजन के अंदर एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सर जाता है, जबकि जो डीजल इंजन होता है उसके अंदर सिर्फ एयर का मिक्सर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर स्पार्क प्लग यूज होता है। क्या होता है, स्पार्क प्लग रहता है जो हमारा फ्रेंड्स, वो पेट्रोल इंजन के अंदर यूज होता है, जबकि डीजल इंजन के अंदर हम इंजेक्टर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इंजेक्टर के। ठीक है, ये होता है एग्जॉस्ट वॉल्व रहता है। क्या रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व। अब इसकी फ्रेंड्स हम वर्किंग समझ लेते हैं और कैसे इसमें काम करता है हमारा सक्शन स्ट्रोक। तो फ्रेंड्स, इसको एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका हमें तीन से चार पॉइंटों में लिखना। तो हमें पहले हेडिंग का डालेंगे सक्शन स्ट्रोक। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसके वॉल्व की स्थिति का बात करते हैं। जो टू वॉल्व होते हैं, एक होता है इनलेट वॉल्व, एक होता है एग्जॉस्ट वॉल्व। तो जो हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि इसमें इनलेट वॉल्व क्या आता है, ओपन रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज रहता है। मतलब इनलेट वॉल्व बंद रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व खुला रहता है, नहीं सॉरी, इनलेट वॉल्व खुला रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहता है। क्या रहता है, इनलेट वॉल्व खुला रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व बंद रहता है। यहाँ पर लिखा भी है फ्रेंड्स क्लोज। ठीक है फ्रेंड, दूसरा पॉइंट में लिखना है कि इनलेट वॉल्व के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सर सिलेंडर के अंदर जाता है। क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सर सिलेंडर के अंदर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट में लिखना है जो हमारी पिस्टन है, जो हमारा टॉप डेड सेंटर से हमारी बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करती है। कहां से, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करती है। निम्न लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर मूव करती है। इतना हमें लिखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप एक पॉइंट और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, कि इस दौरान हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है वह आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, हमारी क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूम जाती है, मतलब आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आधा चक्कर कंप्लीट करती है। इसके बाद होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रोक, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक का मतलब होता है फ्रेंड्स कंप्रेस करना किसी चीज का, प्रेशर बढ़ाना और टेम्परेचर को बढ़ाना। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया पहला पॉइंट लिखेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक, हेडिंग डालेंगे उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें जो एग्जॉस्ट वॉल्व होता है वह भी बंद रहता है, जबकि जो हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व और हमारा जो इनलेट वॉल्व होता है दोनों ही कैसे रहते, बंद रहते। जी, हमारा एक है इनलेट वॉल्व है, एक है एग्जॉस्ट वॉल्व, दोनों ही वॉल्व कैसे हुए, क्लोज हुए, बंद कर दिए। ठीक है फ्रेंड, सेकंड पोजीशन में लिखेंगे हमारा जो पिस्टन रहता है वो नीचे से ऊपर की ओर मूव होता है। कहाँ होता है, नीचे से ऊपर की ओर मूव होता है, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव होता है। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे फ्रेंड्स हम कि जो हमारी क्रैंकशाफ्ट रहती है वह क्या होती है, कितना, 180 से आगे बढ़ के 360 डिग्री पूरा मूव हो जाती है, मतलब एक चक्कर हमारी कंप्लीट कर लेती है क्रैंकशाफ्ट। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें होता क्या है, इस स्ट्रोक के दौरान क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो फ्यूल रहता है, जो एयर और फ्यूल का मिक्सर रहता है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है तथा प्रेशर भी हाई हो जाता है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि स्पार्क प्लग जो यहाँ पर क्या लगा रहता है फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग
प्लग के थ्रू क्या होता है, फायर हो जाता है, फ्यूल हमारा जलने लगता है। क्या होता है, फ्यूल जलने लगता है, इतना इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है एयर और फ्यूल का। इसके बाद फ्रेंड्स होता है नेक्स्ट स्ट्रोक, जिसे पावर स्ट्रोक बोलते हैं या एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलते हैं या वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। तीन नामों से जानते हैं, किससे, पावर स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट पोजीशन वही करेंगे हम जिसमें हम इसके वाल्व की पोजीशन बताएंगे। वाल्व की पोजीशन क्या है फ्रेंड्स, जो एग्जॉस्ट वाल्व है और जो इनलेट वाल्व है दोनों ही बंद रहते हैं। क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। इस दौरान क्या होती है, पिस्टन जो रहती है, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, पिस्टन होती है नीचे से ऊपर की ओर मूव करती है। क्या करती है, नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर मूव करती है। कहां करती है, इसमें एयरो दिख रहा है, एयरो से देख लें, कहां करती है, ऊपर से नीचे की ओर मूव करती है, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आती है। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे हमारी क्रैंकशाफ्ट क्या करती है, यहां पर फिर से नेक्स्ट हमारा 180 डिग्री घूमती, कहां पर 180 डिग्री घूमती, मतलब आधा चक्कर पूरा करती। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर क्या होता है, फ्यूल जलता है। क्या होता है, फ्यूल जलता है। फ्यूल जलने से क्या होती है, इंजन को हीट एनर्जी प्राप्त होती है। क्या होती है, हीट एनर्जी प्राप्त होती है। उस हीट एनर्जी के थ्रू हमारा इंजन वर्क करता है, मतलब काम करता है। उस वर्क के दौरान ही हमारी क्या होती है, जो गाड़ी चलती है उसी को हम वर्क डन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या किया इंजन ने, फ्यूल की क्या हुआ, हीट एनर्जी प्राप्त करी और उससे हमारी गाड़ी चली। मतलब यहां पर हो रहा है फ्रेंड्स, फ्यूल की केमिकल एनर्जी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। किसमें, फ्यूल की केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो हमारा ए वाला भी स्ट्रोक इस तरह कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रोक होता है फ्रेंड्स एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट मीन्स होता है बाहर निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर क्या होता है, इसमें क्या रहता है, इनलेट वाल्व रहता है, उस तो क्लोज ही रहता है, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व होता है ओपन हो जाता है। क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्यों ओपन हो जाता है ये बताता हूं। यहां पर क्या रहती है, जो पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर मूव करती है, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब नीचे से ऊपर की ओर मूव करती है। यहां पर जो 180 मूव कर चुकी थी क्रैंकशाफ्ट, वह पूरा अपना चक्कर पूरा करती है। कितना, 360 डिग्री घूम जाती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, पिस्टन जब ऊपर की ओर मूव करता है तो क्या होता है, यहां पर एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। अब यहां पर जो गैसें हमारी जल जाती है, जो मतलब पेट्रोल एयर का मिक्सर हमारा जल जाता है, वह क्या होता है, जो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है उसके थ्रू धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। क्या होता है, धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। यह एक साइकिल कंप्लीट होती, कितनी, एक साइकिल कंप्लीट होती, ये एक साइकिल कंप्लीट होती। इसी तरह कंटिन्यू रिपीटेशन होता है, किसमें, हमारे इंजन के अंदर, जो ठीक है, इंजन के अंदर कंटिन्यू रिपीट होता है फ्रेंड्स, और हमारी गाड़ी चलती रहती है और बर्कन हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह फ्रेंड्स ये हमारी पूरी वर्किंग, हमने पूरे स्ट्रोक को एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ में आया फ्रेंड्स तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम फ्रेंड्स एक बार जरूर बता रहा हूं कि आपको अगर लिखना चाहे तो मैं इसकी थ्योरी भी बता देता हूं कि थ्योरी कैसे लिखेंगे एक स्लाइड के अंदर। तो फ्रेंड्स हमने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है यहाँ पर हर एक स्ट्रोक के बारे में। अगर कुछ आप लिखना चाहेंगे और वर्किंग बताना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं। नॉर्मल लिखा, यहाँ पर पिस्टन क्या होता है, ऊपर से नीचे गति करता है। यहाँ पर क्या होता है, जो इनलेट वाल्व रहता हुआ है खुला हुआ रहता है। थर्ड पॉइंट में लिखा है मैंने कि जो हमारी एयर और फ्यूल का मिक्सर कितने अंदर जाता है। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में हमने लिखा है यहाँ पर पिस्टन मूव होती है नीचे से ऊपर की ओर मूव होती है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सर रहता है उस पर कंप्रेस होता है, मतलब उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। फिर लिखा थर्ड पॉइंट है कि एग्जॉस्ट और जो हमारे इनलेट वाल्व रहता हुआ है दोनों कैसे बंद रहते हैं। थर्ड में बताया मैंने कि जो स्पार्क प्लग रहता है उसकी तरह स्पार्क होता है और हमारे एयर फ्यूल का मिक्सर जलता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में दिखाया कि हमारी जो पिस्टन रहती है टीडी से टू बीडीसी, मतलब ऊपर से नीचे की ओर मूव होती है, और इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बताया मैंने फ्रेंड्स की जो हमारी पिस्टन रहती है वो नीचे से ऊपर की ओर मूव होती है, जबकि सेकेंड पॉइंट में लिखा है मैंने जो एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है खुला रहता है जबकि इनलेट वाल्व बंद रहता है। और जो हमारी गैस जलती है उनसे के द्वारा धुआं उत्पन्न होता है वह उससे एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह थ्योरी भी लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।